हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं महाराष्ट्र से उज्ज्वला। उज्ज्वला सवाल पूछिएगा अपना। हाँ सर, मेरा सवाल ये है, जब हम वैक्सीन लेते हैं तो वो वैक्सीन हमारे बॉडी में कितने दिनों तक काम करती है, लाइफ टाइम या फिर एक साल, छह महीने, कितने दिन तक? डॉक्टर अनिल शर्मा, देखिए ये सवाल जो आ रहे हैं, मतलब आप सोचिए जिज्ञासाएं कितनी हैं और हर जिज्ञासा एक नया आयाम दे रही है, इनके सवाल का जवाब दीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल किया है इन्होंने। देखिए जैसे बॉडी में एंटीजन आता है, पहली डोज के बाद प्राइमिंग होती है, दूसरी डोज को हम बूस्टर बोलते हैं, दूसरी डोज के बाद 2 से 4 हफ्ते में एंटीबॉडीज पूरी बन जाती है हमको और वो आमतौर पे 6 से 9 महीने तक आपको प्रोटेक्ट करती है। कुछ कुछ लोगों को वो साल भर तक भी प्रोटेक्ट कर सकती है। अब आगे 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने बाद हमको दोबारा बूस्टर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ये तो जब हम स्टडी करेंगे तब उसके बाद ही पता पड़ पाएगा हमको। हो सकता है हमको हर 6 महीने में बूस्टर लेना पड़े, हो सकता है हमको हर साल के अंदर बूस्टर लेना पड़े। तो कुछ सवाल के जवाब अभी क्या है कि भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सवाल बड़ा अच्छा था। देखिए ये सवाल बता रहे हैं कि लोग कितने जागरूक हैं। और अब हमारे साथ में बंगाल से जुड़ रहे हैं कॉलर भुजे चौधरी। चौधरी साहब पूछिए आप। हाँ, हम कह रहे हैं हमारा औरत को 50 साल से ऊपर हो गया उम्र, वो घुटना में और कमर में हमेशा दर्द होता है, दवाई चल रहा है तो ज्यादा रिलीफ नहीं मिला है, फिर भी दवाई चल रहा है, आज भी डॉक्टर को दिखा का यार, तो कि इसे वैक्सीन ले सकती है। डॉक्टर अंशुमान, ये सवाल, इनका जो सवाल है इसका जवाब आप दीजिए। जी, दवा स्पेसिफिक इन्होंने नहीं बताई है, अगर कोई मेजर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग नहीं चल रही, जैसे बहुत सारे दर्दों में इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन भी चलाना पड़ता है, अपने डॉक्टर से पूछ ले, अगर नहीं चल रही तो आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकते। मतलब डॉक्टर साहब इनको एक बार अपने डॉक्टर से राय लेनी पड़ेगी, आपका ये कहना है? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर से भी राय लेते रहिए, ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि आप जो भी इसमें जो भी पैरामीटर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग कीजिए, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। और हमारे साथ जो डॉक्टरों का पैनल है जो बातें बता रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर भी ध्यान दीजिए। हमारे साथ में उड़ीसा से कॉलर जुड़ गए हैं पंकज। पंकज सवाल पूछिए आप। सर नमस्कार सर। हाँ पंकज पूछिए। नमस्कार सर, एक्चुअली मेरे साले साहब हैं, उनको पहली बार कोरोना टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया, फिर 14 दिन बाद कराया, फिर दोबारा पॉजिटिव आया, उसके बाद फिर 10 दिन बाद कराया, फिर पॉजिटिव आया, वो वैक्सीन लगवा चुके हैं सर दोनों, ऐसा क्यों हो रहा है सर? डॉक्टर हर्षल, देखिए ये वही बात है जो आप बता रहे थे, एंटीबॉडी वाली बात जो आप लोग बता रहे थे, कितने दिनों में बनती है, कितना इफेक्टिव होती है, लेकिन ये सवाल इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सवाल लोग पूछ रहे हैं इस समय कि जब वैक्सीन लगा ली फिर क्यों हो रहा है ये? बिल्कुल, इसमें दो सवाल है। एक सवाल यह है कि इनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव क्यों आ रहा है? ये होता है, ये कॉमन है कि आरटीपीसीआर पॉजिटिव इन्फेक्शन के 1-2 महीने तक पॉजिटिव आ सकता है, डेड वायरस भी आरटीपीसीआर डिटेक्ट करता है, इसलिए हमने रिपीट टेस्टिंग बंद कर दी है। एक बार आप पॉजिटिव आ गए आपको रिपीट टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, निगेटिव आने के लिए 10 दिन के बाद आपकी इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाती है, बिल्कुल ही कम हो जाती है, तो उसकी चिंता ना करें। दूसरी बात आपने की है, वैक्सीन लगाने के बाद भी पॉजिटिव आए हैं, तो एक बात तो है, हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन जो वैक्सीन से, जो हमारा अनुभव है अभी तक का वैक्सीन लगाने के बाद, इन्फेक्शन तो हो रहा है लेकिन उसकी सीवियरिटी बहुत ही कम है, तो वैक्सीन लगाने के बाद सीवियरिटी कम हो जाती है। दूसरा ये बात भी है कि वैक्सीन लगाने के 2 डोज के बाद भी 20 से 25 दिनों के बाद आपकी बॉडी में वो क्षमता आती है जिससे आप इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, तो इसीलिए इन्फेक्शन आप में कब आया है यह भी जरूरी होता है, कब आपको इन्फेक्शन का एक्सपोजर हुआ है और कब आपका वैक्सीन का सेकंड डोज कंप्लीट हुआ है, तो ये सारी संभावना का असर होता है। लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद एक चीज जरूर हुई है जो हमने लार्जर पिक्चर देख रहे हैं कि सीवियरिटी कम हुई है, हॉस्पिटल्स में जाने की जरूरत कम हुई है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हुई है, ये तो निश्चित है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।